पर जागो मोहन प्यारे जागो, सारी 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 जागो जागो। छोटी मालकिन, अरे ओ छोटी मालकिन, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से? अरे ये इतनी जोर से आपने अंग्रेजी म्यूजिक लगा रखा है, उसको बजाया जा रही है, बजाया जा रही है, बजाया जा रही है, चिल्ला रही है और क्या करे? ये बेहुदा संगीत नहीं, एक्सरसाइज चल रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम, और हम भी आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि आपके शरीर से चमड़े की तरह चिपके हुए कपड़े, आपकी उटपटांग बातें हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, आप एक अच्छी खानदान की अच्छी लड़की, आपको चाहिए कि आप सवेरे उठ के प्रार्थना करें, पूजा करें। ये क्या सवेरे सवेरे उठ पटांग नसर नटांग म्यूजिक, 1 2 4 नॉनसेंस, बड़ी शेख मूंगफली। बस बस अपनी एक्टिंग बंद करो। एक्टिंग क्या गुल खिलाएगी आपने जानती छोटी मालकिन? मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। जाने से पहले एक बात और कहकर चला चाहता हूँ कि दूध पी लीजिएगा। जी हाँ, मर गया। अब विक्की बाबू, अगर आप मेरे को मारे नहीं तो मैं अंदर आऊं? बिल्कुल अंदर मत आना साले, मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। सुबह सुबह सोने भी नहीं देता। विक्की बाबू, देर से उठना सेहत के लिए बुरी बात होती है, और जब आदमी की सेहत खराब हो जाती है ना जानी, तो अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि देर से उठना बुरी बात होती है, बुरी बात होती है, और 3 बार बुरी बात होती है। साले, खुद तो तू लेट उठता है और मुझे सबक सिखा रहा है, चला। साहब जी, आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वेट कर रहे थे साहब जी। क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब है साहब जी। तबीयत खराब है इसलिए देर हो गई? हाँ। ये ले। ये क्या है साहब जी? ये घड़ी है। मगर मैं इसका क्या करूंगा? क्योंकि जब भी तुझे देर हो जाती है, तुझे नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं। कभी तेरा पेट खराब हो जाता है, कभी तू घर के कामों को कोसने लगता है, कभी ये कहता है कि घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। देर हो गई? नहीं साहब जी, अब देरी नहीं होगी। अरे देरी तो होगी। क्यों क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, तुम ठहरे कलाकार आदमी। कलाकार कोई क्लर्क की तरह होता नहीं जो वक्त के हिसाब से चलता है, और कलाकार का मूड भी होता है ना, और वो कभी कभी अपने मूड में खो जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए मैं सोच रहा था अगर तुम जैसे कलाकार को अगर मौका मिले तो क्या हो? क्या हो? पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। पार्की हो साहब जी, पार्की हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब जी। अबे साहब जी के बच्चे, कितनी बार कहा कि फिल्मों का बुखार उतार दे वरना कहीं का नहीं रहेगा। अरे आप अभी तक यही है? आपको ऑफिस नहीं जाना है? और तुम्हें क्या हुआ? कलाकार की भावना को आज तक कौन समझ पा रहा है? ओ अच्छा, वो याद आ गया। वो सवेरे नैना मभी रवि भैया पे नाराज हो रही थी, उनको 10,000 का हार पसंद आया मगर रवि भैया को आपसे पैसा मांगते हुए शरम आ रही थी, कहना था कहीं। कृष्णा, अब ये वक्त आ गया। खाम खा सुबह सुबह एक कलाकार का मूड खराब कर दिया आपने। भैया, अरे जल्दी करो भैया, देर हो रही है। आ रहा हूं। रवि जी। भाभी। अब क्या हुआ भाभी? अरे चुप, ये लो रवि। ये क्यों? नैना को जो हार पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह, भाभी हो तो आप जैसी। नहीं भाभी, रहने दो। अरे ले लो। अरे ले लो भैया, क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ ले लो, चलो। थैंक यू भाभी। मगर आपको कैसे पता चला मुझे पैसों की जरूरत है? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, वो अपना धागा है ना, धागा। धागा नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। क्या है, आप सब इस घर में मोती हैं, और वो जो पगला है ना कृष्णा, वो एक धागा है जिसने सब मोतियों को पुरो कर रखा हुआ है, इसलिए पता चल जाता है किसको किस चीज की जरूरत है, वरना कैसे पता चलेगा? लेकिन रवि, तुम्हें अपनी भाभी से पैसे मांगने में इतनी शर्म क्यों आती है? अच्छा नहीं लगता भाभी, बड़े भैया ने हमारे लिए अलग कारोबार शुरू करवाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा करवाया, और हमें कि आए दिन आपसे या बड़े भैया से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ठीक है ठीक है, अपनी भाभी को ज्यादा मस्का मत लगा, जल्दी चलो भाई, टिंकू के स्कूल में देर हो जाएगी। कृष्णा कृष्णा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहता रहो। कभी कभी गलती से हमारी भी कार साफ कर लिया करो कृष्णा,
जब देखो तब बड़े भैया की कार के पीछे पड़े रहते हो। इसलिए तो 6 साल बाद भी ऐसे लगती है जैसे नई नई शोरूम से आई है। ये साहब जी की मनपसंद कार है विक्की भैया, और साहब जी की हर मनपसंद चीज को हमेशा चमकते ही रहना चाहिए। आइए आइए चौधरी साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? भाई पता चला कि इस साल आप मेल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, सोचा कि आपको मुबारकबाद देता चलूं। भाई खड़ा तो हो रहा हूँ, मगर धनराज जी है ना 8 साल से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, उनके मुकाबले में मुझे कितने वोट? भाई 2 वोट की गारंटी तो मैं देता हूँ, एक अपने और दूसरे आपके। प्लीज कम इन, आइए कम। कुमार साहब बहुत दिनों से एक सपना देख रहा हूँ, वो हकीकत में बदल सकता है या नहीं सोचा आपसे पूछ लूं। ऐसा क्या सपना है? कुमार साहब आप मेरे बेटे राहुल को तो अच्छी तरह जानते हैं, उसके लिए मैं आपकी छोटी बहन ज्योति का हाथ मांगना चाहता हूं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है चौधरी साहब, लेकिन हमारे जमाने से आज का जमाना बदल गया है, फिर भी घर वालों से पूछना होगा, खास करके ज्योति से। अरे छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आए करीब के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी लिफ्ट दे दे, रिक्शा बस के है बड़े झमेले। कृष्णा एक्टिंग बन, क्या चाहिए? छोटी मालकिन आप कॉलेज जा रही ना, हमको फैक्ट्री तक छोड़ दीजिए, सब्जी के लिए खाना लेके आना, बहुत टेंशन हो रहा। लिफ्ट चाहिए? हाँ। तो फिर जल्दी करो, टाइम नहीं है। टाइम टाइम हमारे पास क्या है, चली जाएगी। भाभी मातरी सूरत से अलग भगवान की। कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा तुम जो इशारे मालकिन पुकारे रे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी पे पे देते हैं प्यारे रे, पम पम पम, अरे बाप रे बहुत देरी हो गई। आप हमको इस जगह को देख रही, हम तो नहा धोके पूजा पाठ करके आ रहे हैं। कृष्णा नीचे उतरो, धक्का मारो। चल बेटा कृष्णा लगा धक्का। अरे जय बजरंग बली। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा वो ये गाड़ी चल पड़ी पड़ी पड़ी। अरे राम नो कृष्णा, फिर से रुक गई, नीचे उतरो। कृष्णा धक्का लगा। अरे लगा रहे ना, एक तो चढ़ा रहे ऊपर से गाड़ी पे खटा रहा है। चल 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 हट हट। पहुंच गए कृष्णा, पहुंच गए। अरे छोटी मालकिन, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे लिफ्ट मांग के, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम थक गए कृष्णा? अरे नहीं छोटी मालकिन, 5 मील इस डिब्बे को धक्का मार के कौन थक सकता है। छोटी मालकिन, शहर में आपका कोई दुश्मन है? क्यों? ये डिब्बा उसको बेच दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेच दूंगी। और सुनो, बड़े भैया को खाना देने के बाद पारस से चाट ले आना, मैंने अपनी सहेलियों को आज फिल्म दिखाने का वादा किया। अरे वो तो ठीक है छोटी मालकिन, मगर इस डिब्बे का क्या करेंगी आप? यहाँ तक तो हमने पहुँचा दिया, अब आगे कौन पहुँचाएगा? खुद ये डिब्बा। अजंता गार्मेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी भी हालत में पूरा करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोज तो मिलता नहीं, हमारे वर्कर्स डबल शिफ्ट करेंगे, इसमें उनका भी फायदा है और हम अपनी डिलीवरी भी वक्त पर दे सकेंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल बहुत चाहिए, आईएमटी से बहुत रुपए लगेगा। रुपए इज नो प्रॉब्लम, जितना भी पैसा मार्केट से मिलता है उठा लो। अरे राम राम। अरे कृष्णा क्या बात है, इतना पसीना क्यों बह रहा? हाँ वो क्या है कि आज हम गाड़ी में आए हैं ना। गाड़ी में आए हैं और ये हाल है? हाँ वो छोटी मालकिन की गाड़ी में आने से यही हाल होता है, वो आप नहीं समझेंगे, आप खाना खाइए। हाँ अभी रख दो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता साहब जी। कृष्णा अगर काम नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा? और खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है ना। हाँ सारी साहब खाना खा रहे हैं, बाद में फोन कीजिएगा। हाँ ठीक है। किसका फोन था? अरे किसका भी फोन था, आप खाना खाइए ना, आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? आप भी जाइए अपना खाना वाना खाइए, खाने दीजिए। सर बुरा मत मानिए, लेकिन एक मामूली से नौकर को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी भी जुबान को सीखने के लिए 6 महीने काफी होते हैं, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए 60 साल भी बहुत कम होते हैं। ये जिसे जिसे तुम मेरा नौकर कह रहे हो ना, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा सब कुछ है। हाँ ठीक है, इसके साथ मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन क्या
स्कूल का रिश्ता होना जरूरी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपने आज तक बताया नहीं कि कृष्णा है कौन। कृष्णा एक अनाथ है साहब, जो इस देवता को आज से 18 साल पहले मिला था। क्यों बेटे, और जी? नहीं बाबूजी, ये तो इसकी रोज की आदत है, जब किसी भले आदमी को देखता है उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर आज तक किसी भले आदमी ने इस अनाथ का हाथ नहीं पकड़ा। उन होठों की मिठास हम आज भी अपने पेशाने पर महसूस करते हैं। उस दिन तक ये हमारे कोई नहीं थे, मगर आज, आज ये हमारे सब कुछ है। भगवान कसम, इन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि इस अनाथ को कभी अपने सगे माँ बाप की भी याद दिया। ए, इधर चल, बहुत हो गया है ना, आप तो जा सकते। मुंह लटका कर खड़ा रहेगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मुस्कुरा। अरे ठीक से मुस्कुरा, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़। चलिए सब्जी, जल्दी से खाना खा लीजिए, हमको डिब्बा लेके जाना है। क्यों आज इतनी जल्दी, क्यों है डिब्बा लेकर जाने की? अरे वो छोटी मालकिन अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही है ना, उनकी टिकट लेने जाना है। टिकट? अमिताभ जी ने फिर मरवा दी, अब क्या जवाब देंगे छोटी मालकिन को? ये जगह छुपने के लिए सही है। अरे फिल्म तो हाउसफुल होगी ज्योति। अच्छा माना, मैंने कृष्णा को पहले ही भेज दिया, लेकिन उसे टिकट तो मिल जाएगी ना। अरे तुम लोग कृष्णा को अच्छी तरह जानती नहीं, वो बहुत होशियार है। लेकिन गया कहाँ तुम्हारा कृष्णा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आ गई, बर्बाद हो गए तुम। ओ कृष्णा, छोटी मालकिन क्या यार इतना टाइम लगा दिया, पिक्चर शुरू हो गई अपनी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ छोटी मालकिन, कुछ भी नहीं हुआ। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अरे उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ भी हुआ ना वो इनकी वजह से हुआ है। ना ये अमिताभ बच्चन यहाँ पर होते और ना ये हाउसफुल का बोर्ड यहाँ पर होता, पिछले 10 साल से हैरान किए हुए जब जहाँ हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। इसका मतलब तुम्हें टिकट नहीं मिली? अब अपने मुँह से कैसे कहूँ कि टिकट नहीं मिली। अरे ज्योति, तुम्हारे कृष्णा ने तो सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारे कृष्णा ने तो सारा मूड खराब कर दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे छोटी मालकिन, आप एक टिकट में एक हीरो की फिल्म देखती ना, हम आपको बिन टिकट तीन हीरो की फिल्म दिखा सकते हैं। नहीं, वो कैसे? ओ मेहरबानो, गदरदानो, ओ हसीनो, माजबीनो, नाजनीनो, सुनो सुनो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। थिएटर के अंदर न जाऊं, हाँ बाहर सिनेमा दिखाऊं। थिएटर के अंदर न जाऊं, हाँ बाहर सिनेमा दिखाऊं। जो कहे तू मैं बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। Thank you.
संभल। धोती कुर्ता पहन के निकलो जब मैं बीच बजरिया, मुझ पर जान लुटाए रे भैया, सगरे गांव की गोरिया। कुछ मैं छोड़ रहा गंगा तट वाला सीधा है मुझ पर हिंदुस्तान, मैं छोरा गंगा तट वाला सीधा है मुझ पर हिंदुस्तान, यही मेरी पहचान, हमेशा रखूं मैं मुंह में पान, मैं छोरा गंगा तट वाला सीधा है मुझ पर हिंदुस्तान, मैं छोरा गंगा तट वाला सीधा है मुझ पर इसीलिए तो कहत हैं का फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। भोला भाला पर मैं हूँ दिल वाला हिम्मत वाला, फूलों की डाली मैं हूँ मवाली, मुझसे नजर मिला वाचा इंगेवा, वाचा इंगेवा, वाचा इंगेवा, वाचा इंगेवा। इसीलिए तो कहता हूँ क्या फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं बिल्कुल जीरो। कोई नहीं बेगाना, हर दिल मुझको प्यार करे मैं हूँ ऐसा दीवाना, हर दिल मुझको प्यार करे मैं हूँ ऐसा दीवाना। जीवन है एक रास्ता मैं हूँ राही अनजाना, सारी दुनिया मेरी अपनी कोई नहीं बेगाना, हर दिल मुझको प्यार करे मैं हूँ ऐसा दीवाना, हर दिल मुझको प्यार करे मैं हूँ ऐसा दीवाना। इसीलिए तो कहता हूँ यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो, बाकी फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो।
आइए साहब जी आइए। इतनी जल्दी क्या को आ गए? थोड़ा और आराम से आते ताकि टिंकू की तरह सबके सब सो जाते। कृष्णा। अरे क्या कृष्णा, तीन बार खाना गर्म किया। उठ टिंकू उठ। अरे भाई कितनी दफा मैंने कहा कि खाना खा लिया करो मेरे बगैर, कोई मानता ही नहीं है। जी बैठिए ना हमारे साथ। वाह बड़े भैया वाह, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके आने के पहले खाना खा लिया हो? पश्चिम से आज तक सूरज नहीं निकला बड़े भैया। और ना ही कभी निकलेगा। कृष्णा खाना लगा दे। बड़ी चंद दिनों की मेहमान है अब तू इस घर में। क्यों भैया, कहाँ जा रही हूँ मैं? बड़ी सीधी सी बात, तेरी शादी हो रही। सच? तो चौधरी साहब है ना, उनका बेटा राहुल। हाँ। क्या ख्याल? बड़ा अच्छा लड़का है, जाना पहचाना भी है और पढ़ा लिखा भी और बहुत सुंदर भी है। मेरी राय में तो तुम अपनी राय अपने पास रखो, हम ज्योति की राय जानना चाहते। नहीं भैया मैं शादी नहीं करूंगी। जब लड़की शर्मा कर ना कहती है ना तो समझिए उसका मतलब हाँ होता है। कृष्णा। अरे मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ छोटी बालकिन। भाभी माँ किसे मना कीजिए ना। देखिए साहब जी ने कहीं आपकी बातें सच मान ली ना तो बहुत पछताएंगे आप। ठहर जा वही ठहर जा। भागो कृष्णा प्यारे भागो। पिछले जन्म में बहुत से पुण्य क्यों होंगे मैंने जो ऐसे बहन भाई मिले हैं, वरना आज के जमाने में ऐसे बहन भाई कहाँ मिलते हैं। इतना प्यार है आपस में, इतना मेलजोल है। कुमार बेटा, तेरी सौतेली माँ ने आज तक तुझे जिम्मेदारी के सिवा कुछ नहीं दिया और आज भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुझ पर। माँ मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा इन्हें, इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा। मैं जानती हूँ बेटे, लेकिन अक्सर अपनी औलाद हो जाने के बाद तुम्हें हमेशा ये डर सताता रहा है ना माँ। तो ले आज मैं तेरे सर पे हाथ रखकर कहता हूँ, मैं कभी भी अपनी औलाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तो जब भी इन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई, इन्होंने कभी हमें अपनी औलाद की कमी महसूस नहीं होने दी, है ना? और जान के जानती हो जब मैंने इस घर का नाम स्वर्ग रखा था मैं जानता नहीं था कि वाकई ये स्वर्ग हो जाएगा। साइलेंस साइलेंस प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए इस साल दो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक हैं श्री धनराज जी जो पिछले 8 सालों से इस कुर्सी की जिम्मेदारी संभालते चले आ रहे हैं, और दूसरे उम्मीदवार हैं श्री कुमार साहब जो पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। श्री धनराज को 11 वोट मिले हैं और श्री कुमार साहब को 13 वोट। कांग्रेचुलेशन। अब मैं पुराने प्रेसिडेंट धनराज जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो नए प्रेसिडेंट कुमार साहब को फूलमाला पहनाए। मैं समझ सकता हूं सर जी, 8 साल से जिस कुर्सी पे आप कब्जा जमाए बैठे थे आज एक पल में उसके छिनजाने से आपको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, ये कुर्सी भी बेवफा महबूबा की तरह है, आज इसकी तो कल उसकी। आज कुमार साहब को मिली है, कल फिर आपको मिल जाएगी। तुम्हें समझता ना थी नागपाल भाई, समझता ना थी तुम्हें। आपका एक कल तो 1 साल के बाद आएगा ना, ये कल कल तो नहीं आने वाला है ना, और इस 1 साल के अंदर कुमार भाई को ये पता चल गया कि मैंने इन 8 साल में इन मिल ऑनर्स एसोसिएशन के लाखों रुपए का फंड का गपला किया है। क्या होगा मेरा, क्या होगा? वो मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा, मुझे जेल हो सकती है नागपाल भाई, जेल। आप कुमार साहब से खामखा घबरा रहे थे जी। समझता ना थी तुम्हें, हूँ कुमार साहब से नहीं डरता हूँ, मैं उसकी ईमानदारी से डरता हूँ। हमारे गुजराती में कहावत है नागपाल भाई की, सांप और ईमानदार आदमी दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले ईमानदार आदमी को मार डालो, सांप को बाद में मारो। आप चाहते क्या है सेठ जी? आप समझते नहीं नागपाल भाई, ये आदमी साला पहले से मेरे सर का दर्द बना हुआ है, जब देखो तब साला मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा रह जाता है। अभी अभी ये थोड़े दिन पहले की बात है, ये
ये अजंता गारमेंट वाला, ये अजंता गारमेंट की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंपनी को मिला ना, वो पहला मुझे मिलने वाला था, मुझे। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर बार ऐसे होता रहा है। इस तरह उसकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे तो मेरी कंपनी को तो ताला लग जाएगा। सेठ जी, जिंदगी भर 2000 रुपए की नौकरी ना करने पड़े इसलिए मैंने आपके साथ हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया है तो आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। आप सिर्फ बताइए आप चाहते क्या हैं? तुम्हारे कुमार भाई की बर्बादी। नकल भाई, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे तुम करते जाओ। ये तुम्हारे कुमार भाई को आसमान से खींचकर जमीन पर गिरा दूं तो मेरा नाम भी धनराज नहीं। सर, मार्केट से काफी लोन उठा चुके हैं, अब भी 50 लाख कम पड़ रहा है। चौधरी साहब से हमने फ्रेंडली लोन मांगा था, क्या हुआ, भिजवाया नहीं उन्होंने? सर, इतनी बड़ी रकम है कोई भी सिक्योरिटी चाहेगा। चौधरी साहब ने कहा? जी नहीं, उनके वकील ने। ऐसे ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर हमारा बंगला गिरवी रख दो, कागजात पर साइन कर दूंगा। ओके सर। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मकान गिरवी रख देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? अरे पगले, घर में गिरवी रख रहा हूँ, बेच थोड़ी रहा हूँ। बिजनेसमैन एक किसान की तरह होता है, जिस तरह किसान फसल कटने पर अपना कर्जा चुका देता है, इसी तरह हमारी गुड्स की डिलीवरी पर हम अपना कर्जा चुका देंगे। मगर साहब, अरे ये बिजनेस है, आसानी से तेरे दिमाग में नहीं घुसेगा, दौलत कमाना इतना आसान थोड़ी है। ये दौलत भी आदमी जरूरत से ज्यादा कमा लेना साहब जी तो जी का जंजाल बन जाती है, और फिर आदमी कितना भी कमा ले तो रुई और रबड़ के तकिए पर सो सकता है, चांदी के तकिए पर तो नहीं सो सकता। बात तो तूने सही कही, लेकिन ये बता आजकल तू इतना रुपया क्यों ले जाने लगा है? अरे साहब जी, हमारे जो तो छोटे साहब हैं, वो दान पुण्य के मामले में आपसे कम थोड़ी है। अभी अपने बिकी भैया कह रहे थे कि 10,000 रुपया अनाथ आश्रम में दान करना। हाँ, दान पुण्य तो करना चाहिए। सर वर्कर्स बहुत खुश हैं, काम भी बहुत जोरों से चल रहा है, लगता है मजंता गारमेंट्स का ऑर्डर वक्त से पहले। नमस्कार कुमार साहब, केम छो? नमस्ते, कैसे हो धनराज? मैं तो अच्छा हूँ कुमार साहब, लेकिन आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उड़ते उड़ते मेरे कान में खबर पहुंची कि आप मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था धनराज जी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा आदमी ऐसी बेईमानी का काम करेगा। सू बात करो जो बेईमानी और मैं, ये तो दो बातें कुमार साहब। जी नहीं, दोनों बातों का एक ही नाम है, सेठ धनराज। बड़ी सीधी सी बात है, आपने मिल ओनर्स के फंड में लाखों रुपए की हेरा फेरी की, आपने प्रेसिडेंट की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। कुर्सी का फायदा कौन नहीं उठाता कुमार साहब, बेईमानी से तो सारी दुनिया चलती है। अब ऐसा करके जिए ना कि ऐसा कोई रास्ता निकाले ना कि मैं भी मगनमारी से बच जाऊं और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। देखो, उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, और जिंदगी में आपको कभी भी ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे चाटा मारा? तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने, और इससे अच्छा जवाब था भी नहीं मेरे पास। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि खाना है तो चाटा भी खा लो, मगर प्याज के साथ वापस करो। प्याज के साथ लौटाऊंगा कुमार, प्याज के साथ। ओके जल्दी, मैं अभी लेके आती हूँ, प्लीज ज्वाइन हो। ज्योति को साथ मिलाकर तुमने हमारे बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगा दिए दीपा। इस पार्टी का मजा और भी बढ़ सकता है अगर तुम अपनी सहेली के सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ा सा हार्ड ड्रिंक मिलाकर उसे पिला दो। तुम चाहते क्या हो प्रिंस? इस खिलती हुई कली को फूल बनाना चाहता हूं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
ये कड़वा क्यों है? क्योंकि मैंने इसमें जहर मिलाया है। नाराज क्यों हो रही है? क्या ज्योति तुम्हारे घर पर भी नहीं है? नहीं नहीं, मैं उसके सारे सहेलियों को फोन कर चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपकी लाडली है, आप नहीं छूट दे रखी है उसे। कहीं भी जाए, कुछ भी करे, आप तो कुछ कहेंगे नहीं ना उसे। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? ज्योति अब बच्ची तो नहीं? बच्ची नहीं है, इसीलिए तो फिक्र है। What happened, Jyoti? कुछ नहीं। Come on, dance. No. Come on. Come on. Please leave me. छोड़ मुझे। जितने चाहे चाटे मार लेना, पहले चाटे खा लेने जैसा काम तो कर लेने दो। दीपा। दीपा। तुम Jyoti। जरा भाई साहब एक मिनट। अच्छा मेरे जाने में दीपा जी। हाँ जी। छोटी मालकिन जी का? छोटी मालकिन जी? अच्छा जो ज्योति। हाँ। वो तो एक घंटे पहले चले गई। चले गई? बतो। हमारा नाम कृष्णा है, ये हमारी छोटी मार्किन है। साले साले, हम इनकी तरफ उठने वाली आंख नोच ले, तूने हाथ कैसे लगाया? हार कृष्णा, कैसे लगाया तूने? और मार उसे, मार कृष्णा। छोटी मार्किन को हाथ लगाया। कृष्णा, अगर आज तुम बचपन नहीं आते तो रोबा छुट्टी मार दी। हम से तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। घर चलो छोटी मार्किन, घर में सब बहुत परेशान है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो कहां थी तुम अब तक? मैंने पूछा कहां थी तुम अब तक? छोटी मार्किन से कुछ मत कहिए विक्की भैया। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं कृष्णा, इसकी हालत बता रही है कि आज रात इसके साथ क्या हुआ। तुम ऐसी पार्टी में गई क्यों थी? बोल क्यों गई थी भैया? नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, साहब जी नहीं। कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिए साहब जी कि छोटी। नहीं कृष्णा, इसके फटे हुए कपड़ों को छुपाने वाली तुम्हारी शॉल ने सब कुछ कह दिया है। चल तू अंदर जा। कृष्णा, तुम्हारे ससान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, इस घर की इज्जत के लिए तो कृष्णा अपनी जान भी दे सकता है। अगर आप चाहे तो कल पंडित जी को बुला लूं, अच्छा सा मुहूर्त देकर
ज्योति की मंगनी तय कर देते हैं। ठीक कह रही है तुम। सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगन में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिनी। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगन में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिनी। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। सुन सुन लोगों कहे शहजादी जट मंगनी तो पट करो शादी। इसकी शादी में देर लगाना नहीं। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद
सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिन। हेलो, क्या क्या हुआ साहब जी, क्या बात है, क्या हुआ भैया? साहब जी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई कृष्णा। मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा कुमार साहब, चलता हूं। देखो ये कुछ गोलियां हैं, इन्हें 24 घंटे अपने पास रखना। जब कभी दोबारा इन्हें दर्द उठे तो एक गोली इन्हें दे देना। मगर डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? घबराइए नहीं, मैं कल फिर से चेकअप के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? सेठ जी, भैया शुक्र हो, मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए यहाँ पर मत आना। क्या कर रही है यहाँ पर? मिलने तो मैं भी जाना चाहता था जी। तो अगर मैं आपको बताने आऊँ कि पुलिस बहुत जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहीं उन्हें असलियत का पता न चल जाए। पुलिस को असलियत का पता जरूर चलेगा जी। हमारे गुजराती में कहावत है कि बहादुर को उसकी बहादुरी फंसाती है और डरपोक को उसका डर। इसी डर के कारण तो आधे से ज्यादा मुजरिम पकड़े जाते हैं नागपाल भाई। मैं पूछता हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? दुनिया में एक्सीडेंट्स नहीं होते क्या? शॉर्ट सर्किट के कारण मिल में आग नहीं लग सकती क्या? फिर बेवकूफी का काम छोड़ो और दिमाग से काम लो। पुलिस वाले लाख कोशिश करे, उनको इस असलियत का पता कभी नहीं चलेगा। लेकिन तुम ऐसे डर के हमारे उल्टे सीधे काम करते रहे नागपाल भाई, तो मुझे भी तुम्हारे साथ साथ जेल की चक्की पीसने जाना पड़ेगा। सॉरी, गलती हो गई, अब दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जाओ और कुछ दिनों के लिए भूल जाओ कि तुम मुझे जानते भी हो। लेकिन सर जी, जाने से पहले आपको मुबारकबाद जरूर दूंगा, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है नागपाल भाई, तुम्हारे कुमार साहब को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ जख्म दिया है, उस पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है। साहब जी। क्या है कृष्णा? वो साहब जी, तू रो क्यों रहा? आप एक मिनट के लिए बाहर आइए साहब जी। हेलो चौधरी साहब, आपने शगन के तोहफे वापस क्यों भेज दिए? जब लड़के वाले शादी ना कर सकते हों
तो शादी के तोहफे वापस कर दिए जाते हैं कुमार। कुमार भाई मैं क्या करूं, राहुल शादी से इनकार कर रहा है, उसे ज्योति पसंद नहीं। बात सीधी सी है चौधरी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, आपने भी आंखें फेर ली मुझसे, लेकिन इस सब की सजा मेरी बेचारी बहन को क्यों दे रहे हो, उसका क्या कसूर है? आई एम सॉरी। क्या बात है? सॉरी सॉरी कहा है उसने, उसने कहा है कि राहुल को ज्योति पसंद नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। माँ मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा इन्हें, इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा। मुझे माफ कर दे माँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। आप कब तक यूं ही बैठे रहोगे, सोना नहीं है क्या? तुम भी कमाल करती हो भाभी, घर में रिश्ता टूट गया और तुम्हें सोने की पड़ी है। अगर मेरे जागने से रिश्ता जुड़ जाता तो मैं सारी रात जागती रहती। तुम कहना क्या चाहती हो नाना? मैं कहना नहीं बताना चाहती हूँ। क्या? तुम्हारे बड़े भैया ने कर्जे के बदले में ये घर भी गिरवी रख दिया है। तो ओहो, कब समझ आएगी तुम्हें? तुम लोगों का बिजनेस चल रहा है और बड़े भैया बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहन की हमदर्दी में बड़े भैया का लाखों करोड़ों का कर्जा तुम्हारे गले पड़ जाए। वो जो करते हैं करने दो, तुम अपना अपना कारोबार संभाल के रखो, उनके किए की सजा तुम क्यों भुगतो? नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते, बैठिए ना। नहीं कुमार साहब, बस आप हमारे रुपए लौटा दीजिए। इस वक्त रुपया लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रकम डूबेगी नहीं। आपकी ईमानदारी पे तो शैतान भी शक नहीं कर सकता, मगर कुमार साहब हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। कुमार साहब हम सबका एक सजेशन है, आपके काफी कंपनियों में शेयर्स हैं, जूनागढ़ में जमीन और जायदाद भी है आपकी, हमने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस आप दस्तखत कर दीजिए। चंपक भाई यही तो बचा हुआ है, अगर मैं इसे बेच भी दूं तो मैं आपकी रकम पूरी नहीं कर सकता। मैंने तो ये सोचा था कि इससे नया कारोबार शुरू करूं ताकि आपकी एक पाई चुका सकूं, ये मेरा वादा रहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो फिर हम आपको 6 महीने की मोहलत दे सकते हैं। 6 महीने का वक्त मेरे लिए काफी है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका, मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। तो ठीक है, गारंटी पेपर तैयार है, आप इस पे अपने भाइयों के दस्तखत करवा दीजिए। अभी इस पे साइन कर देना, तसल्ली हो जाएगी। वो तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन इस तरह साइन करवा के आप किस किस को तसल्ली देंगे? मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? नया कारोबार शुरू करना, उसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है बड़े भैया, अगर वक्त पर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारा क्या होगा? क्या बात कर रहे रवि भैया, अरे पैसे के साथ से ज्यादा पहले चलिए दस्तखत कर दीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं बड़े भैया, एक अर्जी दिवालिया की दीजिए और छुट्टी कीजिए। ये क्या उल्टी सुल्टी बात कर रहे हैं आप? देखिए भैया साहब जी दस्तखत मांग रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए। रवि कृष्णा रहने दो, मुझे दस्तखत की जरूरत नहीं है। सेठ जी, सेठ जी क्या विक्की और रवि भैया की जगह हम दस्तखत नहीं कर सकते? नहीं कृष्णा, तुम इस काबिल नहीं। अरे साहब जी आपने हमको इस काबिल क्यों नहीं बनाया? विक्की और रवि भैया की तरह आपने हमको पढ़ा लिखाया क्यों नहीं? मैंने अच्छा किया कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा नहीं मेरे कृष्णा। वकील साहब पेन दीजिए। कुमार साहब मैं एक मामूली सा आदमी हूं और मेरी रकम भी कोई बड़ी नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए है। जब सभी को कुछ ना कुछ दिया है तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा, आइए।
आपकी सबसे मनपसंद कार है, इसे हम नहीं ले जाने देंगे। कृष्णा, जब आदमी बेकार हो जाता है ना उसे, तो उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती, यही कहना चाहते हैं ना आप? करेक्ट। देख, चाबी दे दे सेठ जी को। जब जब सब कुछ चला गया है तो फिर ये गाड़ी रहने से क्या होगा? हा? इतनी देर से खड़े रहकर क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि आसमान से जमीन पर गिरने में कितना कम वक्त लगता है। साहब जी, जलने के बाद इस मिल का जो आप हाल देख रहे हैं ना, दुख और चिंता से इंसान का इससे भी बुरा हाल हो जाता है। चलिए साहब जी, घर चलिए, घर में सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भूख नहीं है कृष्णा। वाह रवि भैया, वाह 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 विक्की, आप लोगों ने भगवान का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, सूरज को पश्चिम से उगा ही दिया। वाह वाह, और कल तक तो आप लोग आधी रात तक साहब जी के लौटने का इंतजार किया करते थे ना, और आज तो क्या हुआ, रोज इंतजार करते हैं, एक दिन नहीं किया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। अरे छोड़ो नैना भाभी, किसी को इज्जत के आसमान पर बैठाने के बाद इस तरह बेइज्जती की जमीन पर गिराना अच्छी बात नहीं है। कृष्णा, बहुत लंबी हो रही है जबान तुम्हारी, ये बकवास बंद करो। आज हम बोल के रहेंगे रवि भैया, आज हम बोल के रहेंगे। आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब जी के आने से पहले आप लोगों ने खाना खा लिया, मगर आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने साहब जी को अपने ही घर में पराया बना दिया। अरे बचपन से जवानी तक जिस पेड़ की छाया में आप लोग रहते रहे, आज वो सूखने लगा तो उसी को काट देना चाहते हो? विक्की भैया, ओ विक्की भैया, अरे उस पेड़ को पानी की जरूरत है, मौसम का इंतजार है, बस वो पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा और एक बार फिर से आप लोग उस पेड़ की छाया में आराम से रह सकोगे। ज्यादा बकबक मत करो, जो हमारा फर्ज है हम जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप लोग अपना फर्ज। बड़े भाई के गले में कर्ज का फंदा है और भाभी के गले में हीरो का हार है। घर में छोटी बहन कुंवारी बैठी है और भाइयों को रत्ती पर चिंता नहीं है। वाह, बहुत अच्छी तरह से फर्ज निभा रहे हैं आप लोग। अरे हमको तो शक होने लगा है कि आप लोगों के रगों में खून है या पानी। कृष्णा, दो कौड़ी का नौकर और हमारे मुंह लगता है। लोगों के कुत्ते घरों में जंजीरों से बंधे रहते, लेकिन यहाँ तो खुला ही छोड़ रखा है। नैना भाभी, गलत है वो लोग, गलत है वो लोग जो कुत्तों के गले में जंजीरें बांधते हैं, क्योंकि कुत्ता जब भी भौंका है अपने मालिक के दुश्मनों पर भौंका है। अरे बांधना तो उन सौरती इंसानों को चाहिए जो वक्त बदल जाए तो अपने मालिक को काट लेते हैं। स्टूपिड, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हम ही से जबान लगा। छोड़ो भी, क्यों छोटे आदमी के मुंह लगते हो, चलो।
नहीं कृष्णा, मुझे भूख नहीं है। एक बात तुम साहब जी, अब आप अकेले खाना खाने की आदत डाली लीजिए। तू मेरा इतना ख्याल मत रखा कर, घर वालों की जिल्लत के बाद तेरा यह प्यार सह नहीं जाता। कृष्णा मेरी एक बात मान, तू यहां से बहुत दूर चला जा, मेरा तो कर्तव्य है, मैंने मरती मां को वचन दिया था, इसलिए भाइयों का साथ निभा रहा हूं। देख जब नदी में बाढ़ आती है ना, जो किनारे के पेड़ हैं वो भी डूब जाते हैं, लेकिन उन पर जो पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं, और उन्हें उड़ जाना चाहिए। तू भी जा। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं, कृष्णा कोई पंछी नहीं है और ना ही कोई साया है जो अंधेरे में साथ छोड़ दे। चलो जी, मेहमानों की लिस्ट तो पूरी हुई। मेरे 10-15 दोस्त बढ़ जाएंगे भाभी, जरा ख्याल रखना। कोई बात नहीं, तुम अपनी लिस्ट अपने पास ही रखो और अपने मेहमानों को खुद ही बुलाना, मुझे तो और भी बहुत जरूरी काम है। किस बात की तैयारी हो रही है भाई? नैना का बर्थडे है बड़े भैया, पार्टी देने की तैयारी हो रही है। क्या पार्टी देना जरूरी है? इससे पहले भी तो हर साल मैं अपने बर्थडे पे पार्टी देती आई हूँ। इससे पहले इतना बुरा वक्त भी इस घर में कभी नहीं आया। मेरे हिसाब से हमें फजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए। फिकर मत कीजिए बड़े भैया, इस बार पार्टी का खर्च हम लोग देंगे। जानता जानता, लेकिन वो कर्ज देने वाले नहीं जानते जिन्होंने रुपया दिया है। वो तो यही समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर ऐश कर रहे हैं और उनका रुपया वापस नहीं लौटाया जा रहा। कर्जदारों के डर की वजह से तो कल को आप ये भी कहेंगे कि हम खाना पीना छोड़ दें, भिखारियों की तरह रहें। मैं इस तरह से नहीं रह सकती बड़े भैया, आप जानते हैं मैं किस खानदान की बेटी हूँ। जानता हूँ जानता हूँ, बहुत बड़े खानदान की बेटी हो, लेकिन उस खानदान से पहले इस घर की बड़ी बहू भी हो। घर में अगर कोई मौत हो जाए तो बड़े से बड़ा त्यौहार भी हो तो उसे मनाया नहीं जाता। यहाँ किसकी मौत हुई है? इंसानियत और शराफत की। मैं तो यही कहूंगा कि इंसान को चादर देखकर अपने पांव फैलाने चाहिए। ये फिजूल खर्ची बंद कीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। दूसरों को नसीहत देना कितना आसान, कर्जा खुद ने लिया है और बचत की पट्टी हमें बढ़ा रहे हैं। अगर बचत का इतना ही ख्याल है तो ये कीमती सिगार छोड़कर बीड़ी क्यों नहीं पीते? रवि। हाँ भाभी। मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? हाँ, मैंने तुम्हारे बड़े भैया के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी। भाभी अगर देवी देवता 200 रुपए में किसी की सेहत ठीक करे तो लोग 1000 रुपए डॉक्टर पे क्यों खर्चा करते? बहस मत करो रवि, क्या तुम्हें अपने भैया से प्यार नहीं है? बेवकूफी का नाम प्यार नहीं होता है भाभी, और वैसे तो बड़े भैया ही हमेशा बचत करो की रट लगाए रहते। अभी अभी नैना से कह के गए कि बर्थडे पार्टी मनाने की कोई जरूरत नहीं, और शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। भाभी फिजूल खर्चे की अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। रवि। जी भाभी। अब क्या होगा भाभी? अरे चुप, ये लो। ये क्यों? नैना को जो हार पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह भाभी हो तो आप जैसी। ज्योति ये क्या है? मेरे शादी के जेवर, इसमें से जितनी जरूरत है ले लीजिए। नहीं ज्योति, एक तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और ऊपर से मैं तुम्हारे गहने ले लूं? नहीं, इस घर की छोटी बहन के जेवर उतार कर मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। मुझे रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है? नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा है, किसी के अच्छे वक्त की निशानी है। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। चलिए ले। विक्की भैया, रवि भैया, क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे बक्से में से? कृष्णा, ज्योति के गहने का। छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। सीधी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेचकर तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हम चोर दिखाई देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर गहने कहाँ गए हैं? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन, इन्हें समझाइए, इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी, ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए। साहब जी मत कहो मुझे। साहब जी, इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला थी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी, और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से यह समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा। अभी परिवार के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है?
क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटे मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम चोर है चोर। और आप भी हमसे बात क्या कर रही हो? आप हमको मारो, मारो हमको। कृष्णा, बड़ी मालकिन, जब विक्की भैया ने हमको चाटा मारा ना, हमको बुरा नहीं लगा। हर नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज, आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें या नहीं, या लगा या। उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूं मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा? आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मान गए? कान कम्बक मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में, जब लोगों ने उसे चोर का बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठा ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जा घर से। लेकिन लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहां? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा, और ठोकरे खाने के बाद उसे संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं, तुमने सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छा बड़े मालकिन, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। भाई साहब, इधर बाजू बैठना। वैसे चलो मेरी बात। अरे चला कर, कमाल का शहर है, यहाँ कोई बात ही नहीं सुनता। भाई साहब, यहाँ रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा? क्या घर? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बागड़ू, तेरे को बंबई का टिकट काट के दिला किसने रे? बिना टिकट आया, मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। तो फिर सुन, अपुन भी जब बंबई आया था ना, अपुन ने भी यही सवाल पूछ लिया था, रहने के वास्ते घर कहीं मिलेगा क्या? 20 साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं मिला है। ऐसे ही चलाया पुणे एक टांग पे, खोपड़ी में नहीं आना। अरे ये तेरे बाबा की नगरी है क्या? तुम लोग बोरिया बिस्तर उठाकर ये आने से पहले सोचता काहे को नहीं रे? बस करो बस करो। अरे अरे मेरा अरे मेरा बक्सा कौन उठा के ले गया? बक्सा कहाँ गया? अरे बक्से की तरह तू भी गायब हो जाएगा बीड़ू। चला जा, वापस चला जा। देख बीड़ू, अपुन तेरे को 10 लाख की बात फोगड़ में बताएगा क्या? ये जो शहर है ना बम्बई, यहाँ हर आदमी को 3 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है क्या? वो देख,
रोटी कपड़ा और मकान। क्या है बे? हाँ, काहे को इतना चिल्ला रहा है? गुरी ये? वो ये अपुन का पंटर है। क्या बात है बे? भाई साहब वो बक्सा मेरा है। वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है। उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। कृष्णा। ए शाने, नाम लिख ला तो क्या होगा रे? अगर तू इस बस्ती में तेरा नाम लिख डालेगा तो ये बस्ती के तेरे बाप की हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, आप बाप आपका चले। ये छपरी सुमड़ी में पतली गली काटे देंगा एक रात चीख। मगर वो बक्सा हमारा। देखिए भाई साहब, वो बक्सा हमारा हमको दे दीजिए। उसमें हमारी बड़ी कीमती चीज है। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हाँ। देख अभी अपना दिमाग को सटके लग गया भाई साहब। हमारी बात भाई साहब, मेरा बक्सा मुझे दे दीजिए। देखो मेरा बक्सा मुझे दे दो। भी ये भंडार चल पेटी ला। चल देखो पेटी उठा। भगवान का सब, घबराओ नहीं भैया, सही हाथों में आके अटके हो। अरे गुरु क्या कर रहे हो? मार मार के नोने का प्रोग्राम बिगाड़ दोगे क्या? और भैया तू भी अपना रास्ता ना, ये गुरु बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अरे मगर मेरा बक्सा इसने। अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा। भैया तेरे बक्से से महंगा है ये खून। देखो भैया, हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े, पांव भी पड़े। अब मैं हाथ खोलता हूं। अब तेरे गुरु का प्रोग्राम बिगड़ गया तो सटक रहा है। जाने दे रहे। भगवान कसम भैये, इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, नाम नहीं बताओगे क्या? कृष्णा। लगता है बॉम्बे में नए नए आए हो। और सर छुपाने के लिए छप्पर भी नहीं मिला अभी तक। भूखे भी लगते हो। मतलब ये हुआ कि शरीफ आदमी हो। भैया ये तो बात की बात रही, ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है?
मेरा मतलब जाओगे कहाँ? जहाँ पाँव ले जाए। ये भी खूब कही। तो भैया ऐसा करो कि पाँव को बोलो कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, यही बगल में ही है मेरी हवेली। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? रिश्ता है। देख, तू गरीब, मैं गरीब, और भगवान कसम भैया, गरीब का गरीब से तो वो रिश्ता होता है जो भाई का भाई से नहीं होता, बेटे का बाप से नहीं होता। और सच बात तो यह है, भगवान कसम पहली नजर में दिल में उतर गया है तू। चल आजा, आजा आजा। भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। तुमने मेरी राम कहानी तो सुन ली, मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बंदे का नाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट? ये क्या नाम हुआ भाई? ये बंबई शहर में लोग मजबूरी को मजाक बना देते हैं, और वही मजाक कभी कभी नाम भी बन जाता है। मैं फिल्म लाइन में प्रोडक्शन मैनेजरी करता हूँ, और आर्टिस्टों को एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूँ। आर्टिस्टों को, यानी कि हीरो हीरोइन को भी? सबको। अमिताभ बच्चन से असरानी और श्रीदेवी से अरुणा ईरानी, सबको हजारों बार प्लेन में छोड़ने गया और लेने गया, पर कसम से मेरा अभी तक प्लेन में बैठने का प्रोग्राम नहीं बना। यार मुझे एक बार अमिताभ बच्चन से जरूर मिलाना है। भैया अब तू मेरे पास आया है तो तेरा ये प्रोग्राम भी फिट कराई देंगे। अच्छा तुम यहाँ अकेले रहते हो, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा? है, क्यों नहीं है। एक दूर का चाचा है और एक मुंह बोली भाभी। दूर का चाचा मुझसे दूर ही रहता है, और मुंह बोली भाभी कभी मुझे मुंह नहीं लगाती। एक बात तू बता, इस बक्से में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तू लड़ने मरने को तैयार हो गया था? बताओ। यह है वो कीमती चीज? हाँ, ये मेरे साहब जी की तस्वीर है। अच्छा, तो यह उस महापुरुष की तस्वीर है जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से धक्के देकर बाहर कर दिया था? नहीं, ये उस देवता की तस्वीर है जिसने एक 5 साल के बेसहारा और अनाथ बच्चे को पाल पोसकर इतना बड़ा किया। भैये तू किस मिट्टी का बना? इस आदमी के लिए तेरे दिल में आज भी उतनी इज्जत है? दोस्त, भगवान तो हमेशा भगवान ही रहता है, उसकी हर हाल में पूजा की जाती है, चाहे वो अपने भक्त को सुख दे या दुख। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने साहब जी की तस्वीर तुम्हारे भगवान के बगल में लगा दूं। वाह भैया वाह। बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद आती। कौन ख्याल रखता होगा आपका? अरे हाँ, भाभी माँ है ना, छोटी मालकिन है, वो ख्याल रख लेंगे आपका। मैं नहीं होगा सब, मैं नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात है ज्योति, मैं सारा दिन आराम से घर में बैठता हूँ, तू काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं बड़े भैया, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, बस एक आप ही तो बचे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एक ही मां के कोख से जन्म लिया है, कितना फर्क है तेरे और तेरे भाइयों में। हा? यही फर्क होता है अपने और बेगानों में। कई अपने बेगाने हो जाते हैं
और कई बेगाने अपने हो जाते हैं, जैसा हमारा कृष्णा। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तो ये बात है, इसे अपनी जेब में रख ले पिटर। अब मैं ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। भैये, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू कहे तो तेरे को डॉक्टर के यहाँ भी ले चलता हूँ। पर भैये कसम से, तू ये सपने देखने का प्रोग्राम बंद कर दे, वरना एक दिन तेरी ये चीख मेरी जान ले लेगी। ओह देख देख भैये, ये दिल की धड़कन है या ट्रेन का इंजन। ओह माफ करना एयरपोर्ट यार, मगर नहीं भैया, आज तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, ये सपने क्यों देखता है तू। एक बेकार आदमी सपनों की सेवा देख भी क्या सकता है। जब तक मेरे सपने सच नहीं होंगे ना, ये सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओ इसका मतलब तेरे को नौकरी दिलवानी ही पड़ेगी। चल भैया, आज ही अपने प्रोड्यूसर से तेरा प्रोग्राम फिट करवाता हूँ और तुझे स्पॉट बॉय की नौकरी दिलवा देता हूँ। यहाँ पर कौन से हीरो की शूटिंग चल रही है अभी? अरे हीरो वीरो को छोड़, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, चंद्रा जी आ रहे हैं। हाँ। पापा जी कह के फट से पैरों में गिर जाना। मगर पापा जी क्यों कहें? यहाँ नमस्ते ऐसी होती है। चल अच्छा। पापा जी। क्या भाई? सर वो ये कृष्णा है, बहुत ही मेहनती लड़का है सर, वो स्पॉट बॉय की नौकरी चाहिए। छोटी मोटी बात है, रख लो इसे, हमसे क्या पूछते हो। बहुत उपकार हो गया आपका पापा जी। रहने के लिए घर इन्होंने दे दिया, कपड़ा हम पहन कर आए थे और रोटी रोटी आपने दे दी। वाह हमको बंबई जम गई पापा जी, हमको बंबई जम गई। बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा, दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा, दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। Thank you.
पंचों में रहती है फिल्मी हस्तियां, उनको तो ये स्वर्ग लगे जिनकी जेब में माल है। मारा मारा फिरता है जो करता कंगाल है, लाखों की रोजी रोटी लाखों की तकदीर है। यहाँ जो आया गया नहीं शहर नहीं जंजीर है, हम जो आए ही नगरी में अपनी तबीयत रम गई। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। रोटी की न बात कर पानी बिकता है यहाँ, धरती सारी बिक चुकी बेच रहे हैं आसमां। पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है, पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। लाइन में कट जाती है इंसानों की जिंदगी, देखो जीने के लिए मर गया कितना आदमी। देख के ऐसी हालत भैया आंख हमारी नम गई। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। जम गई पीले पीले जरा मेरी चाय पीले, ना कोई धर्म है ना कास्ट, मेरा नाम है सुपर फास्ट 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 शाबाश। पीले पीले जरा मेरी प्रोग्राम फिट है तेरा, फिट कैसे नहीं होगा मेरी सफर। हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने तुझे प्यार से गले लगाया और तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। ये बता दिया तूने मुझे मेरे एहसानों का। खबरदार, जो आज के बाद ये मनोसूरत मुझे दिखाई तो चला जा, निकल जाए यहां से। मालिक, मुझे इस बात का दुख नहीं कि सारे गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मुझे इस बात का दुख है कि आप भी मुझे समझ नहीं पाए। चलता हूं। ये क्या किया आपने? जिसे सारी जिंदगी प्यार करते रहे उसी को घर से निकाल दिया, क्यों क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और जिसे इंसान बहुत प्यार करता है उसकी भलाई के लिए कभी कभी उसके साथ नफरत का नाटक भी खेलना पड़ता है। तुम्हें बताओ हमारे पास तो बचा ही क्या है? गरीबी, दुख, दर्द, तकलीफें। मैं नहीं चाहता था कि वो भी हमारे चाची जिंदगी जिए। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। मैं कैसे देख सकता था कि हमारे अभाव की आग उसकी जिंदगी भी जल जाए, उसकी जिंदगी भी जल जाए। हम समझ गए कि साहब जी ने हमसे नाटक किया था। वो चाटा नाटक था। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते। कृष्णा, क्यों
डॉक्टर का क्या बिगड़ता है, वो तो कहकर चले गए कि बड़े भैया को अस्पताल में दाखिल करवा दो, लेकिन फीस तो हम लोगों को भरनी पड़ेगी ना। हमारे पास कौन सा रुपयों का पेड़ लगा है जो जाकर तोड़ लाएंगे भाई। लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा, नहीं उन्हें किसी ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। भाभी ठीक कह रही है भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करे देते हैं। हाँ मतलब तो इलाज सही है, वहां पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो। सैनों की मामूली सी नौकरी करके चार पैसे क्या कमाने लग गई तुम्हारी बहन, दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है। ज्योति मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा। मेरे नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं, ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। ज्योति तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए और उसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त भी हद कहाँ थी। बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त भी हद कहाँ थी। जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त यह कहाँ थी। इस घर से दौलत क्या गई, आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौज की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा होगा। शाबाश रवि शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तूने अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। ज्योति बड़ी सीधी सी बात है, इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त तुझे शर्म ना आई, आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है, उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था। तंज के तीर मारने से तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा है। इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। अगर ये जानते नहीं थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। भूल आप रही हैं भाभी, 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी, वो 13,000 इन्हें एक झोपड़ा बेचने के बाद मिले थे, और वो झोपड़ा इनका नहीं हमारी माँ का था। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं इनका फर्ज। बुरा मत मानिए भाभी, वैसे भी ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। दो वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किन के रुपयों से आता है। जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं भाभी, मगर बड़े भैया हमारा सुकून तो ना छीने। मैं तुम लोगों से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्फ एक हक छीन रहा हूं। जानकी इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक हमारा नहीं बड़े भैया,
औलाद का होता है, मगर अफसोस भाभी माँ की कोई औलाद ही नहीं। और फिर आप हमारे जो भी हैं, मगर है तो सौतेले भाई। भूल के भी
वोट गिनने का प्रोग्राम चल रहा है। कितने जमा हो गए? कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करने के बाद पेट काट काट कर पैसा जमा करने के बावजूद सिर्फ 900 रुपए जमा कर पाया। समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा। ये बंबई शहर है, इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत ना हारू तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहां नियत अच्छी होती है ना, वहां सब कुछ हो सकता है। नहीं यार एयरपोर्ट, पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाक, चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मैं ठहरा अनपढ़, गवार और मूर्ख। मैं क्या कर सकता हूं यार? सब ठीक हो जाएगा भैया, बहू पर बैठा है ना, सब ठीक कर देगा वो। भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिन वापस ला सकूं। 65/1 टेक 1 एक्शन। हां हां, मैं एक मुजरिम हूं और जुर्म के इस काले काटे, आई एम सॉरी यार, मेगा फिदरा। टेक 4 एक्शन। हां हां, मैं एक मुजरिम हूं और काटे, सॉरी यार। टेक 9 एक्शन। हां हां, मैं एक मुजरिम हूं और ये किसके कैसे हैं? हटा यार, शूटिंग हो रही है। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं यार, ये लाइट ऑफ करो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट, मेकअप इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, सुपरस्टार इडियट। अरे बाल सवारना छोड़, एक्टिंग कर, एक्टिंग। टेकिंग 38 एक्शन। हाँ साइलेंस, ये बूमबेरे मूवमेंट आओगे ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? क्या रे, तू हंसा? Sorry sir. What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उतर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, बोलते तो बोल के बताता हूं। चल देखता हूं तुझे। हाँ, मैं मुजरिम हूं, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी मां के पेट में बुरा भला नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाकू नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है। एक बात समझ में नहीं आ रही है धनराज, तुम कुमार साहब की कोठी खरीदना चाहते हो और मैं अपने रुपए वसूल करने के लिए उसे बेचना चाहता हूं। बराबर। तो फिर तुम मुझे रुपए देकर कोठी सीधी अपने नाम क्यों नहीं करा लेते? यह नीलामी क्यों? तुम्हें समझदार नहीं, जब घर की नीलामी होती है ना तो घर वालों की इज्जत की चिंदी चिंदी हो जाती है। हमारे गुजराती में कहावत है कि दुश्मनी करो तो दुश्मन को रास्ते का भिखारी बना दो, ताकि वो हाथ फैलाए, हाथ उठा ना सके। सुना तुम लोगों ने, हमारे घर की नीलामी हो रही है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भाभी, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुम लोग अपने इस स्वर्ग को नीलाम हो जाने दोगे? पिके, एक घर सिर्फ चूना रेत और ईंटों से ही नहीं बना, बल्कि इसमें तुम्हारे बड़े भैया का खून और पसीना भी मिला हुआ है,
और फिर इस घर से चले जाएंगे तो सही नहीं कहा। अब तो सबको अपना अपना इंतजाम खुद करना होगा भाभी। नैना और मैंने तो अपने लिए एक मकान देख लिया है, हम लोग तो वहां चले जाएंगे। और मेरा क्या है भाभी, मैं तो इस घर में मेहमान की तरह हूं। आप लोगों के साथ नहीं तो भैया भाभी के साथ रह लूंगा। मगर आप लोग फिक्र मत कीजिए भाभी, जूती आप और बड़े भैया के लिए मैं कमरा ढूंढ दूंगा। हाँ, किराया मुझे देना होगा, सुबह में दे दूंगा। किराया तो क्या? अरे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, हमारा घर नीलाम हो रहा है और तुम लोग रत्ती पर भी शर्म नहीं। अरे इतने बड़े इंसान के भाई होकर तुम लोग इतने छोटे कैसे हो गए? भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर नीलाम मत होने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये बात सुनो, ये हमारा घर है, कुछ करो कुछ करो, ये घर नीलाम मत होने दो। साहिबान, ये नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस शानदार हवेली की सबसे पहली बोली चौधरी साहब की है। 50 लाख, 51 लाख, 55 लाख, 55 लाख। बोलिए साहिबान, बोलिए। 55 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 57 लाख। आगे बोलिए, 57 लाख, 57 लाख, 60 लाख, 60 लाख। हाँ तो साहिबान, 60 लाख, 60 लाख, 1, 60 लाख, 2, 60 लाख, 3। सच्चाई है, ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, ये हमारे प्यार का मंदिर है, ये हमारे खुशियों का स्वर्ग है। इस घर पर मैं किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी, इस घर को मैं नीलाम नहीं होने दूंगी, नीलाम नहीं होने दूंगी। जानकी, 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 जानकी दरवाजा खोलो, जानकी, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, जानकी, 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 अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मुझे कौन सहारा देगा? हाँ मैं जानता हूं बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर, नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं, मैं जानता हूं। देखो जानकी, 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 नहीं जानकी, नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है मेरा, अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जानकी, 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 नहीं भाभी मां, नहीं भाभी मां, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी मां, क्या हम तुमसे इतनी दूर इसलिए गए थे कि तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ? क्या हम शहर जाकर दिन रात किसलिए काम करते रहे कि जब हम तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम हमसे बात भी न करो? ये देखो भाभी मां, ये देखो, ये देखो,
ये कितनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आया हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो, मगर मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ, हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ। कैडेट कृष्णा, कृष्णा, ए बच्चे डोंट वीप, कृष्णा, हे, ये अपना ने गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। हे कृष्णा, एक बात बताऊं, अब तुम स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आई प्लैन यू विल मीन इट। हे डॉली, क्या भैया, भैया एक फोटोग्राफ ले लो, ये कल के फिनोमेना है ये, हाँ, ये पोज। बम 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 बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, देख गई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम बम बम। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग एक्टर टॉप के हीरो रहे हैं। सबसे पहला दौर था दिलीप साहब का, उसके बाद आए राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, और आज बच्चे बच्चे की जबान पे जो नाम है वो है कृष्णा। नमस्ते कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने बहुत ही कम समय में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है, ये कामयाबी पाने के बाद आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो तबस्सुम जी, मुझे सब कुछ चमत्कार सा लगता है। अच्छा कृष्णा जी, कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, आज आप शोहरत के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा बन के चमक रहे हैं, मैं जान सकती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है? बहुत से लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे साहब जी का है। साहब जी, कृष्णा जी हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं खुद भी बताना चाहूंगा तबस्सुम जी, साहब जी ये वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूं, क्योंकि भगवान भी बहुत कुछ देकर वापस ले लेता है, मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। आज मैं उनसे दूर सही, मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हो सकता है मेरे साहब जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो। साहब जी आप देख रहे हैं ना, मैं जानता हूं आप बहुत खुश रहे होंगे, मगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका कृष्णा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बस थोड़े दिन और किस्मत में जुदाई लिखी है, मैं भाभी मां को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा, साहब जी मैं जरूर लौट कर आऊंगा, मैं जरूर लौट कर आऊंगा साहब जी। क्या गुल खिलाएगी आपने जानी छोटी मालकिन, मैं तो कहता हूं कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा।
इस चेहरा तुम्हारा दिखता था जब सपने तुम्हारे आते थे। ओ, मैं प्यार भरा खत लिखता था। कौन हो भाई, कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? साहब जी का? कौन साहब जी? कुमार साहब। अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। नीलामी? जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई और कुमार साहब, और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साहब। मगर साहब जी, मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहां था। पागल से हो गए थे बेचारे, पत्नी के देहांत के बाद। कुमार साहब कहां चले गए कृष्णा? मैं किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से एक बोझ था मेरे सीने पे, अब शायद हल्का हो जाए। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला, दुख में तैरता कृष्णा। तो हर साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। धनराज एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हाँ, हमें साहब जी और भाभी मां की आंखों से भरे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना है एयरपोर्ट, उन पर हुए जुल्म का जवाब देना है। और कसम है हमें, जब तक हम भाभी मां की मौत और साहब जी की बर्बादी का बदला नहीं ले लेते, हम और कुछ नहीं सोचेंगे। रवि भैया, रवि भैया,
क्या हुआ विकी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे जो खबर मैं लेकर आया हूँ अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। भैया एक एक्सपोर्टर आया है जिसके पास करोड़ों के ऑर्डर्स हैं। एक आध ऑर्डर भी हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी, लाखों में खेलेंगे हम। अरे तू फिक्र मत कर विकी, ये ऑर्डर हमें जरूर मिलेगा। ऐसा सैंपल तैयार कराऊंगा कि मार्केट में किसी के पास नहीं होगा। वाह भैया ये हुई ना बात। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है और आपकी फैक्ट्री है बहुत छोटी, आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हम ऑर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर। मिस्टर एयरपोर्ट हिंदी में हवाई अड्डा, आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कह सकते हैं। अड्डा साहब, अड्डा साहब, अड्डा साहब, आप हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। आई लाइक योर सिंसियरिटी। एक मिनट। हाँ सर, सर नैना गारमेंट्स के दोनों दोनों पार्ट में क्या पर आए हुए सर? क्या सर, देखने देखने में सर देखने में बहुत ही अच्छे हैं, नेक शरीफ और सर बहुत तरक्की करना चाहते हैं। बट सर इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं लिया है ना? हाँ जी जी। दुनिया में शरीफ और अच्छे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें ऑर्डर दे दो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आपका काम हो गया है। आप ऐसा कीजिए बाहर मेहता साहब से 5 लाख रुपए उठा लीजिए, एडवांस ले लीजिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू मिस्टर अंडरसन, बाय। ओके इस 5 लाख की वजह से ये लोग 50 लाख मार्केट से उठाएंगे और मैं यही चाहता हूँ। कृष्णा भैया इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया, अब धनराज की पारी है। धनराज सेठ, धनराज बोलो। चो बोलो। आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की, बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं? 60 में? तब समझता क्या नहीं, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? आप कौन सा बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है हा? आप मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके, कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड, आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। अजयन भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज, मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है, वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योर सेल्फ प्लीज। जीरो कड़ने उधार कले, अजीरो कड़ने उधार कले, चरण चरण मन चक डोल चले, चरण चरण अजीरो कड़ने उधार कले। आओ हेलो बेटी, बेटी
कारीगर, फैक्ट्री में आग लगी हुई है कारीगर, कारीगर। राज कृष्णा तू? हाँ मैं तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखने के लिए आया हूं। याद है धनराज, ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे और आज मैं खुश हूं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, सब तूने ही करवाया, ये सब तूने ही करवाया, मैं समझ गया। ये कहो धनराज कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दी है तुम्हें। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है धनराज, यहाँ तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहाँ 90 लाख पाने के चक्कर में तुमने स्वर्ग भी भेज दिया। मैं समझा नहीं। जरा सोचो कि अगर वो 90 लाख भी तुम्हारे पास ना रहे तो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं, दुनिया की हर जबान में कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अरे नमस्ते, आइए आइए। ये क्या पिएंगे? पिएंगे पिएंगे कुछ नहीं, हम तो आपको याद दिलाने आए हैं कि कल 13 तारीख। याद है? बेफिक्र रहिए तुलानी जी, कल आप सब लोगों को अपना अपना पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। माल तैयार है, बस हम लोग डिलीवरी देने जा रहे हैं। आपके माल की डिलीवरी हो जाए तो हमारा पैसा ही मिल जाएगा। जरूर। नमस्कार। नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? अरे भैया मैं कोई अड्डा वड्डा साहब नहीं हूँ, मैं चड्डा साहब हूँ। चड्डा साहब? हाँ बोलिए। चड्डा साहब वो आपका माल हमने तैयार कर दिया। जी हाँ। माल? कैसा माल? कौन सा माल? कहाँ का माल? आप लोग कौन है यार? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब आपने हमें 5 लाख रुपए एडवांस दिया है और हमने आपका 80 लाख का माल तैयार कर दिया है। आप भूल रहे हैं? मैं भूल रहा हूँ? तो भैया ऐसा करो, अब आप लोग भी भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रहे हैं अड्डा साहब? चड्डा साहब? चड्डा साहब ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। अरे आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम सेठ जी से मिलना चाहते हैं। हाँ। आप राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाइए। थैंक यू। नमस्ते। सेठ जी एसी रूम में बैठे हैं। सेठ जी ये क्या, आपका मैनेजर कह रहा है आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा? हाँ भाई, आप लोगों का 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा, वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था, वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। ओ, तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है पूरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना? याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना? याद है कर्जदारों को दरवाजे पे से कार को ले जाना? याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना? अरे विक्की बाबू, हाँ आप लोगों को कुछ याद नहीं मगर कृष्णा को सब याद है। जाओ, नहीं उठाता मैं तुम लोगों के माल की डिलीवरी। जाओ जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। जाओ खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा। जाओ, अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे, अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी, अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों? जाओ निकलो ऐसे, जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मार कर निकाल ले, निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ। हाँ
माफ करना साहब जी, माफ करना। अरे क्या बात, आज खुशी के मौके पे ये उदासी का प्रोग्राम? अरे भाई अब तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल गया, फिर भी ये एयरपोर्ट। जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जहां साहब जी ने पहली बार इस सनात के सर पर हाथ रखा था। मुझे पूरा विश्वास है एयरपोर्ट, वहां मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। खाली पेट दवा भी क्या असर करेगी, भूख लगी है ना? दो दिन से तेरे पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया और कहती है भूख नहीं लगी। मैं भी आता हूं। हे भगवान, मैं साहब जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे। तूने मुझे सब कुछ दिया है भगवान, मगर साहब जी के बिना सब अधूरा है। उनसे मिला दे भगवान, उनसे मिला दे मुझे। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भाई साहब आप भी बैठ जाइए, कृष्णा जी आज खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगे। हो गया साहब जी, क्या हो गया? तेरे जाने के बाद किस्मत ही रूठ गई रे कृष्णा, सब कुछ छीन गया, यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, पता लगा साहब जी। तुझे कितने अरसे के बाद देख रहा हूं रे तुझे, हा? छोटी मालकिन कैसी है? Thank you.
भाई तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या घर में भी चलोगे? चलिए साहब जी। हे कृष्णा, चल। स्वर्ग आपके बिना वीरान पड़ा है साहब जी। ना? इन्हें मैं यहां लाया हूं साहब जी। तुम लाए हो? साहब जी, इनको इनके किए की जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। अब ये लोग दुखी हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। इन्हें माफ कर दीजिए साहब जी। माफ कर दूं? माफ कर दूं इन्हें? इन्हें माफ कर दूं? अरे ये तो मेरी पत्नी के कातिल, और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं? हा? ऐसा मत कहिए बड़े भैया, गलती तो छोटों से हो ही जाती है, मगर क्या बड़ों का ये फर्ज नहीं कि वो उस गलती को भूल जाए? अरे पगली, तेरे चेहरे पर मारा हुआ चाटा तू भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। जो जख्म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। इतने कठोर मत बनिए बड़े भैया, इनके इस बुरे वक्त में अगर आपने भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर और कौन देगा? और फिर भूल गए भाभी क्या कहती थी, जो माफ करना नहीं जानता उसे भगवान भी माफ नहीं करता। ज्योति, इन्हें माफ ना करने के बदले में अगर भगवान मुझे नरक में भी जगह दे देना तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा, मगर मैं इन्हें दोबारा स्वर्ग में जगह नहीं दूंगा। अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात सीधी सी है रे ज्योति, अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? इस बात की गारंटी है? नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। एक दिन इन्हीं बच्चों को सीने से लगाकर तूने मुझे वचन दिया था कि कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और आज यही बच्चे तेरी आंखों के सामने हैं तो तुझे घुटन हो रही है। भूल गया अपना वादा, तोड़ दिया अपना वचन? मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूं। नहीं कृष्णा, मैं जीना नहीं चाहता रे, मेरी हर खोई चीज तुझे लौटा दी, मेरे भाई मेरी दौलत, मेरी इज्जत मान मर्यादा, ये स्वर्ग। इतने एहसान किए हैं तुमने मुझ पर, एक एहसान और करते हैं। बोलो सब जी, हुक्म करो। ये पगली दिली दिल में बहुत प्यार करती है तुझसे। इसका हाथ जानकी, कृष्णा तेरी भाभी बुला रही है मुझे। Thank you.
गलती ये क्या की आपने, ये क्यों की आपने? आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में थी और आपने मुट्ठी नहीं खोली साहब जी। कहते